अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम इसकी एग्जांपल नंबर 2.6 जो है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एल शेप यहाँ पर जो है वो बनाई गई है, और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, स्टेटमेंट है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फॉर द गिवन सेक्शन, गिवन सेक्शन, साथ ही देखें लिखा हुआ यहां पर पासिंग थ्रू जो गुजर रही है सेंट्रोइड से। अब इसका मतलब हुआ कि हमें पहले इस ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंट्रोइड भी मालूम करना है, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, पहले हम इसके रेफरेंस एक्सिस लगा लेते हैं। इसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंटर जो एक्सिस दो होंगे, ठीक है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है इसको कहेंगे हम वाई एक्सिस। ठीक है, इन दोनों एक्सिस में ये वाला पॉइंट होगा ओरिजिन। ओके, अब इसका सेंट्रोइड के अंदर से थ्रू, पासिंग थ्रू सेंट्रोइड लिखा हुआ है मतलब कहने का हमने इसका सेंट्रोइड पहले मालूम करना है, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करनी है। पहले मैं शेप को डिवाइड कर देता हूँ दो हिस्सों में, एक शेप फिगर वन हो जाएगी, एक टू हो जाएगी। इसके सेंट्रोइड को मालूम करने के लिए मैं ये डॉटेड लाइंस यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसका सेंटर हमारा कुछ लगभग इधर आ जाएगा, और इस शेप के इस कोने को इस कॉर्नर के साथ और इस कॉर्नर को इसके साथ मिला देते हैं, तो यहाँ पे करके एक सेंटर आ जाएगा। ठीक है, दो हमने पॉइंट बना दिए, एक तो हमने इस फिगर को भी फिगर नाम वन का नाम दे दिया, और इसको फिगर टू का नाम दे दिया। ठीक है, और दोनों का सेंटर पता चल गया, लेकिन हमें एग्जैक्ट शेप का सेंटर मालूम करना है। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट सेंटर मालूम करने के लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमें वैल्यूज पहले देखनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा बी वन है और ये हमारा बी टू है। ठीक है, ये वाली फिगर में आप देख सकते हैं कि एच वन ये है 2 सेंटीमीटर, सॉरी एच टू है, ये एच वन निकालना है आपने। तो एच वन की वैल्यू इस तरह से निकलेगी कि हम इस 18 में से 2 यानी एच वन एच टू माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमें क्या करना है, इसका डाटा लिखना है। ठीक है, गिवन डाटा में हमारे पास बी वन कितना है 2 सेंटीमीटर, और जो बी टू है हमारे पास दो फिगर्स है ना, तो वो है 16 सेंटीमीटर। इसी तरह से एच वन हमारे पास वो 16 सेंटीमीटर है, और एच टू हमारे पास कितना है, वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये चार वैल्यूज मिल गई, तो हमें इनके एरियाज चाहिए हैं। एरिया वन पहले देखते हैं, तो वो हो जाएगा बी वन मल्टीप्लाई बाय एच वन, सिंपल वही मेथड है। और एरिया टू निकलेगा आपका बी टू मल्टीप्लाई बाय एच टू, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले का एरिया निकल आया हमारा, और अब दूसरी वैल्यू को भी देख लेते हैं, तो उसमें भी सेम एज इट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया वन और टू हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, ये एरिया टू आ गया, दूसरी फिगर का एरिया।
अब एरियाज निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमने सेंट्रो ग्रेविटी निकालनी है, ठीक है ना। वो जो दो फॉर्मूलाज हमारे हैं एक्स बार और वाई बार, ठीक है, उसको भी यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। पहले आपने देखना है कि उसका फार्मूला क्या है, फिर हम उसका डाटा लिख देंगे, ठीक है। मैं शेप को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर हमें वो फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज भी पुट करनी है। देखिए हमारा एक है एक्स बार, जिसका फार्मूला होता है ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू। आपको दोनों क्यों फाइंड करने हैं, आपको एक्स बार और वाई बार दोनों क्यों फाइंड करने हैं, पिछले न्यूमेरिकल में हमने ऐसा नहीं किया था, रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। जब आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर ये एल शेप में है ना, टी नहीं है ना, तो टी को सेंटर से काट देते हैं तो वो तो सिमेट्रिक हो जाती है एक्स एक्सिस में, तो एक्स बार नहीं हम निकालते यहाँ पर, ना ही ये एक्स में आपकी जो है वो सिमेट्रिक है और ना ही वाई की तरफ से। तो आपको एक्स बार भी फाइंड करना है और वाई बार भी फाइंड करना है। तो पहले आपको एक्स बार फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू को होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसी शेप में से हम एक्स वन और वाई वन फाइंड कर लेते हैं। अब एक्स वन आपने निकालना है तो फिगर वन ये है, इसके सेंटर तक, यहां से फिगर वन के सेंटर तक आपका एक्स वन है, ठीक है, और फिगर टू के सेंटर तक ओरिजिन से ये आपका एक्स टू की वैल्यू है। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा इसको ड्रॉ कर लूं, ये आ गई। यहां से एक्स टू की वैल्यू फिगर टू के सेंटर तक की है, तो इसका मतलब है x1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ पर x1 की वैल्यू आ जाएगी कि आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले देखना है कितना होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप भी देख सकते हैं कि अगर ये टोटल 16 है, उसमें से 2 सेंटीमीटर निकाल दिया तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो अब आपने x1 निकालना है तो 14 सेंटीमीटर में आपने ऐड करना है आपके इस बी वन के हाफ को, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये 14 प्लस आपका B1 कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 डिवाइड बाय 2 किया तो 1 हो गया, 14 प्लस 1 तो ये आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह अब आपने X1 निकाल लिया, अब आपने X2 निकालना है। X2 आप देख सकते हैं कि यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से फिगर 2 के हाफ तक, तो वो B2 का हाफ है, डायरेक्ट B2 का हाफ ले लें। B2 कितना है 16, डिवाइड बाय 2 किया तो 8 सेंटीमीटर x2 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके साथ ही हम y1 भी निकाल लेते हैं, उसका फार्मूला भी यहाँ पर लिखना था, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं उसका। अब यहाँ पर y1 आपका इस पॉइंट से फिगर 1 के y एक्सिस में हाफ तक, ये आपका y1 है, ठीक है। इसी तरह फिगर 2 के सेंटर से ये आपका क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी पता है कि 14 है, ये हमने बल्कि 16 होगा, यहां से ये 16 सेंटीमीटर है। वो कैसे आया आप भी देख सकते हैं कि ये 18 है, 18 में से 2 सेंटीमीटर माइनस किया तो 16 हो गया, ठीक है। अब वापिस आ जाते हैं यहां पर b2 डिवाइड बाय 2, अब यहां पर देखिएगा जरा, ठीक हो गया है हमारी फिगर, यहाँ पर एक मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, B2 का मैंने 16 ही लिया हुआ है, फिर तो ओके हो गया, कोई मसला नहीं है। अभी हमने Y1 देखना है कि यहाँ से फिगर 1 के हाफ तक, फिगर 1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक H1, H1 का आपने हाफ लेना है, H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है 16, डिवाइड बाय 2 किया तो 8 सेंटीमीटर आ गई। अब इसी तरह से आपने Y2 फाइंड करना है, अब इसमें आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 16, उसी 16 में अब आपने ऐड करना है यहाँ पर इसका हाफ, H2 के हाफ को ऐड करना है, ठीक है। तो 16 प्लस 1 हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, शायद मैंने 2 डिवाइड बाय 2 करना था, मैं एक स्टेप और बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। एक स्टेप और बनता है यहाँ पर, वो इस तरह से कि 16 प्लस हो गया आपका ये H2 जो है वो 2 के बराबर है, 2 डिवाइड बाय 2 किया तो 1 हो गया। अब आप कह सकते हैं 16 प्लस 1 जो कि आएगा 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमें जो चार वैल्यूज चाहिए थी x बार और y बार के लिए, x बार के लिए ये दो वैल्यूज, y बार के लिए ये दो वैल्यूज, साथ एरियाज तो यूज होने ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमें यहाँ पर पहले x बार में वैल्यूज पुट करनी है। A1 X1 है, A1 की वैल्यू कितनी है 32, तो उस 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे X1 की वैल्यू से जो कि है
15, इस तरह से ठीक हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लस एरिया 2, वो भी 35 है, 32 है, बिल्कुल एज इट इज 32 आ गई। साथ ही आपका जो एक्स टू है उसकी वैल्यू कितनी है 8, ये भी लिखती है यहाँ पर, और डिवाइड बाय आपने इस एरिया 1 और एरिया 2 को ऐड करके लिख देना है, ठीक है। और जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो इसकी वैल्यू आपकी बन जाएगी 11.5 सेंटीमीटर, मैंने डायरेक्ट देख दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक्स बार के बाद वाई बार, उसका फॉर्मूला होगा a1y1 प्लस a2y2 डिवाइड बाय हम यहाँ पर एरिया 1, ठीक है, और उसमें प्लस कर देंगे एरिया 2 को, इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमें वैल्यूज तो पता है एरियाज की, वो सेम ही है, मतलब ये भी 32 और y1 कितनी वैल्यू है 8 है और y2 की कितनी है 17, तो प्लस यहाँ पर 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ और डिवाइड बाय आ जाएगा एज इट इज 32 प्लस 32। अब जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, एक्स में कितनी हो वैल्यू और वाई में कितनी वैल्यू है वहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका एक क्रॉस लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम इस ज्योमेट्रिकल फिगर के सेंटर तक भी पहुंच सकें, यहाँ तक, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हम क्रॉस तो बना लेते हैं लेकिन हमें वो वैल्यूज जाननी होती हैं, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे करके आएगा फिगर का, ठीक है ना। सपोज अगर यहाँ पर आ जाता है तो अब आपको यहाँ पर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेसिकली, तो हमें यहाँ पर किस किस की वैल्यू चाहिए, के की और के के साथ में आर की वैल्यू चाहिए, मतलब मैं पहले के वन मालूम करना है, ठीक है, और उसके बाद हमें के टू मालूम करना है। पहले के वन आपने देखना है, तो के वन कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस के वन का है, वाई वन देख रहे हैं यहाँ पर, इसी तरह एक्स वन में देखें, यहाँ से यहाँ तक एक्स वन है, एक्स वन बड़ी वैल्यू है अब इस वक्त। अब हम एक्स वन में से ये एक्स बार माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक्स बार है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स बार है, आपने याद रखना है, ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स बार और वाई बार आ रहे हैं, ये मरकज है, बिल्कुल सेंटर है, ठीक है ना, और ये वाई की तरफ से 12.5 पे जा रहा होता है, ऊपर की तरफ है, और एक्स की तरफ से ये इधर से मतलब कि 11.5 पे है, और नीचे से ऊपर की जानब ये 12.5 पे है, ठीक है। ये एक्स बार और वाई बार है, दोनों का कलर यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों को यहाँ पे मैं किसी और कलर से मेंशन करते हैं, ब्लू से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 12.5, ये एक्स वाई बार है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है एक्स बार का जो कि है 11.5, ठीक है। जब हमें इस फिगर का सेंटर मिल गया, ये बटा नहीं है, ठीक है ना, ये बटा नहीं है, ये एक्स वाई बार है और ये एक्स बार है, ठीक है, जगह की मुनासिबत से। अब इतना काम करने के बाद हमें यहां पर वाई मतलब कि जो हमारी के वन की वैल्यू और के टू की वैल्यू होती है वो पहले फाइंड करनी है। तो के जो आप वाई में मालूम कर रहे होते हो, पता है ना आपको, के को हम वाई में मालूम करते हैं, तो हम के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम वाई टू ये वैल्यू है ना, इसमें से अब हम माइनस करेंगे किसको, यानी यहां पर हमारा वाई वन इधर आया, तो हम के यहां पर निकालने के लिए वाई बार में से माइनस करेंगे वाई वन, ठीक है, क्योंकि देखें ये पॉइंट है यहां पर और इसी पॉइंट पर तो मौजूद है हमारा एक्स बार और वाई बार, तो हमारी वैल्यू जो है वाई वन की वो नीचे की जानिब है, ये देखें ये वाई वन की वैल्यू है और ये है हमारा एक्स बार, तो अब एक्स बार में से वाई वन निकलेगा, तो ये जो आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ना ये वाली, इस हिस्से को कहेंगे हम के वन, ठीक है, तो ये वैल्यू निकलेगी के वन की। इसी तरह से अब y2 जो है वो यहां तक आ रहा है, अब y2 बढ़ है यहां से लेकर यहां तक y2 है, आपने निकाली है k2 की वैल्यू, तो x बार से ऊपर वाली ये वाला डिस्टेंस जो होगा आपका, मतलब अब हम यहां से लेकर यहां तक जो है, मैं वो भी लिख देता हूं यहां पर, मतलब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, आपने निकाली है k2 की वैल्यू, तो आपको क्या करना है यहां पर, जरा देखें, अगर वैसे यहां तक y2
अब आप y2 में से माइनस करेंगे y बार को, तो आपको कितना हिस्सा मिलेगा, कितना एरिया जो है वो मिल जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो है ये होगा हमारा k2। ठीक है, k1 k2 दोनों की वैल्यूज हम यहां पे लिख देंगे, बाकी तो फार्मूला है ना, आप अगर ना भी यहां पे फाइंड करें आपको वैल्यूज पता चल गई हैं, ये फार्मूला इसी तरह से ही रहता है, चेंज नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगी आपकी k के बाद अब वैल्यू आ जाती है यहां पर, कलर को फिर चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालनी है r की वैल्यू, तो अब ये निकलेगी क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होने वाली। अब k1 आपका यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, यहां से ये देख सकते हैं जो कर्सर चल रहा है, यहां से यहां तक है आपका x1। अब यहां पर पहले मैं ये कलर कौन सा लिया हुआ, ये वाला, ठीक है ना, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं आर वन, और अब हमने वो कलर ले लेना है ये वाला, और अब यहां पर हम बताएंगे इसको कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा x1 का, अब उसमें से माइनस होगा ये वाला x बार, यानी यहां पर आप देख सकते हैं यहां से यहां तक x बार है और यहां तक है हमारा b1 है, और सॉरी x1 है, ठीक है ना, यहां से यहां तक x1 है और यहां पर आपका वो आ रहे हैं सेंटर यहां पे, इधर तक आपका जो है ना यहां से यहां तक का एरिया जो है, अब वो वाला हिस्सा नहीं लेना हमने, ठीक है ना, अब माइनस कर रहे हैं इसके अंदर से x बार को, तो आप खुद देख सकते हैं कि इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक का हिस्सा जो होगा वो हमारा होगा r1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। इसी तरह से आपने r2 निकालना है, तो वो ये सेंटर देख लें आप, तो अब आपका मिड यहां पे आ रहा है, वैल्यू पीछे है, अब आपने यहां से यहां तक x बार है, तो उसके लिए आपने x बार में से माइनस करना है x2 को, क्योंकि देखिए वो वैल्यू पीछे है, तो अब वो आपकी मतलब r2 की वैल्यू है कौन सी वो भी देख लें। अगर मिसाल में आप इसके ऊपर मेंशन कैसे करूं, इस तरह से करूंगा, ये सेंटर है ना, यहां से यहां तक की वैल्यू है आपकी r1 की, और ये यहां से यहां तक आपका ओवरऑल x बार है, उसमें से अगर ये माइनस कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये आपका है x2, तो ये वाली वैल्यू आपकी होगी r2 की। ये अंडरस्टैंड कर लेनी है आपने, फिगर में काफी मतलब के चीजें आ गई हैं लेकिन इसको आपने समझ लेना है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ फार्मूला ही याद करना है, और ये आ जाएगी r2 की वैल्यू। अब दोनों की वैल्यूज निकाल के फिर वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर y बार की वैल्यू कितनी है, y बार की वैल्यू आपकी है 12.5, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये वाली वैल्यू में से मैं माइनस करूंगा वाई वन, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 में से 8 निकले, बाकी आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे बुक में भी देख लेता हूँ, ठीक हो गया, सही है, 4.5 सेंटीमीटर आ गई है। इसके बाद आपने आर के टू वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर वाई टू कितना है आपके पास, ये वैल्यू है 17 में से हम माइनस कर देंगे ये y बार को, y बार कितना है 12.5, अब इसमें से 12.5 माइनस किया तो भी आपके पास वैल्यू कितनी आनी है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब r1 को देख लेते हैं, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए कि आपने x1 x2 y1 y2 कैसे निकालना है, आपने r1 r2 और k1 k2 कैसे निकालना है, बहुत आसान है, वो जो बता रहे हैं आपको यहाँ पर आप फिगर से देख सकते हैं, कलर भी मेंशन है। और y1 में अब हमारे पास कितनी वैल्यू है 15, इसमें से हम माइनस करेंगे x बार को, और x बार कितना है हमारे पास, x बार की वैल्यू है 11.5, जब इसमें से 11.5 माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर, और सेकेंड आपके पास ये 11.5 है y बार, इसमें से माइनस कर देंगे x2 को, x2 की वैल्यू है 8, अब भी माइनस करेंगे तब भी हमारे पास आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें वो दो फार्मूलाज लिखनी है मेन, एक हमारे पास है, अब यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता है, लेकिन ये देखें, ये एक हमारे पास है आई एक्स एक्स, जिसका फार्मूला वही फार्मूला यूज होगा, वही आपका बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस ए इंटू के, अब यहाँ पे भी 1 1 लिख दें,
के वन का स्क्वायर, ए वन भी है, और प्लस इसी तरह से बी टू एच टू का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया 2 प्लस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व हो जाएगा सवाल। तो अब इसकी मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, बी वन की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां पे लिखी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 और एच वन कितना है 16, 16 का क्यूब आ गया डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 1 कितना है हमारे पास 32, इस 32 को हम के वन के स्केयर से वो है 4.5 का स्केयर प्लस, अब बी टू कितना है आपके पास, बी टू है यहां पर देख सकते हैं आप 16 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आ जाएगा 16 और इसके साथ ही एच टू वो 2 सेंटीमीटर है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो 2 का आ जाएगा स्केयर, सॉरी इसमें स्केयर नहीं है क्यूब है, और डिवाइड बाय आ जाएगा 12 प्लस एरिया 2 कितना है हमारे पास 32 ही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक मिनट रुकिएगा ये मैं जरा क्लियर कर दूं, 32 और के 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहां पर 4.5, तो वही वैल्यू आके इसका हम ले लेंगे स्केयर, ठीक है। और जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो मैं बुक में देखता हूं इसकी मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं कंप्लीट आप बुक में से ही देख लेता हूं, तो यहां पर जो है एक मिनट रुकेगा ये कौन से पेज नंबर पे है, आई एक्स एक्स ये रहा यहां पर ये, अब इसका मैं टोटल देख रहा हूं जब वो सोल्व कर रहा है, पहले जो उसका आंसर आ रहा है 682.67, सेकंड वाले का है 648, ये चेक कीजिएगा मुझे कैलकुलेशन आपने बतानी है सही है गलत है, 10.67 है ठीक है, और प्लस आ जाएगा 648, और जब हम इन सब का टोटल ले लेंगे तो आई एक्स एक्स की जो वैल्यू है जो आंसर है वो आपका 1989.33 सेंटीमीटर की 4 आ जाएगा, सही है। अभी एक जो हमारा मुकम्मल हो चुका है, अब अगला हमारा काम है इसके अंदर आई वाई वाई फाइंड करना, ठीक है। आई एक्स एक्स आपको समझ आ गया होगा, आई वाई वाई का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बी वन का क्यूब एच वन हो जाएगा, पावर्स चेंज हो जाएंगी, प्लस ए वन और आर वन का स्केयर है, प्लस बी टू का क्यूब और एच टू वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही प्लस आपने ए टू और के नहीं होगा सॉरी आर होगा, और एक चीज हमने मिस की हुई है वो मैं बता देता हूँ, पहले मैं ये रेस कर दूं, और यहां पर आ जाएगा आर टू का स्केयर, इनके नीचे डिवाइड बाय 12, इसके नीचे भी डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने डाटा पुट कर देना है, टाइम शॉर्ट है तो मैं जरा जल्दी करवा दूं क्योंकि अभी आजान हो जानी है। अच्छा बी वन का क्यूब वो वैसे ही आ जाएगा, ये देखिए 2 का क्यूब, ये ऊपर देख ले आप यही वैल्यूज हैं, और 16 वैसे ही आ गया, और डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 1 कितना हमारे पास 32, ये आ गई वैल्यू। अब आर वन की वैल्यू है 3.5, वो यहां पर लिख देंगे, ठीक है, और इसके साथ इसका स्केयर भी लेना होता है, और प्लस अब यहां पर आ जाएगा 16 का स्केयर, आप ऊपर वाली वैल्यू सॉरी क्यूब, और इसके साथ ही 2 वैसे ही आ जाएगा डिवाइड बाय 12, और प्लस एरिया 2 कितना है हमारे पास 32 ही है, और आर 2 उसका स्केयर लेना है वो 3.5 ही है। डाटा सारा हमने ऊपर मेंशन किया हुआ, ये देख लें, ओके। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाती है वैल्यू 2304, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू आती है 392, इसकी वैल्यू आती है 682.67, ठीक है, और प्लस 392, और जब आप टोटल कर लेंगे तो आई वाई वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3770.67 सेंटीमीटर की 4। तो आपका यहाँ पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारा जो है हमारी एग्जाम्पल नंबर 2.6 थी, और उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, स्टूडेंट अजान हो रही हो, अल्लाह हाफिज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।